नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्य विसर्जन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं डेली बाई की तरह जो है करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, जो प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स रहता है उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज 29 जुलाई है, जिसके बारे में जो जितना भी करंट अफेयर्स टर्म है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दें कि दोस्त, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे चल रहे लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर जाके क्लिक कर दें और उसके बगल में एक घंटी आएगी और उस पर जाके जो क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो की अपडेटेड हो आपको मिलती रहे और आप डेली बाय डेली करंट अफेयर्स की जो है जानकारी प्राप्त करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो जो आनंदीबेन पटेल थी वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त हुई हैं। और बता दें कि जो आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश राज्य की जो है भी वर्तमान में राज्यपाल हैं, और ये एमपी का भी जो है राज्यपाल बनाया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश की मध्य वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये एमपी के भी राज्यपाल बनाए गए हैं। और बता दें कि मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो बीजेपी पार्टी से हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल जी। और यहाँ की जो लोकसभा की सीट है 29 और जो राज्यसभा 11 तथा विधानसभा की जो सीट है 230 है। और बता दें कि जो मध्य प्रदेश की 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। और बता दें कि जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांध वंगड़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फेशियल, यह सभी जो है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और बता दें सर कि आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसकी पिछली वीडियो जो है मेरी देख सकते हैं। और डेली बाय डेली करंट अफेयर्स की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली बाय डेली करंट अफेयर्स जो है प्रोवाइड किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं। तो जो INA के जो कमांडेंट नियुक्त हुए हैं वो MA हम्पी होली जी नियुक्त हुए हैं, MP। तो जो MA हम्पी होली जी हैं ये INA के कमांडेंट नियुक्त हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। सॉरी, देखिए कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो INA है, कि मैं जो जितने भी मैं वीडियो पढ़ाता हूँ, जितने भी उसमें क्वेश्चन से जो रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, मैं उसको डेली बाई डेली आपको जो है पढ़ाता हूँ। और इससे जो है क्वेश्चन में जितने रिलेटेड देश आ जाते हैं, राज्य आ जाते हैं, उसके बारे में जो है कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। सो जानिए कि जो INA है, इंडियन नावल एकेडमी, इसकी स्थापना 1869 में, मई 1869 ईस्वी में हुआ था, और जिसका मुख्यालय है कन्नौर, केरल में जो पड़ता है, और इसका मोटो जो है सैपिंग फुल नावल लीडरशिप है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है बल, इसका 82वां जो स्थापना दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया। तो 27 जुलाई को, कब मनाया गया, 27 जुलाई के जो है CRPF के जो है 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। और बता दें कि जो 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी, जो CRPF अपना स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाता है। जो CRPF है इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए, कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है ये 27 जुलाई 1839 उसमें स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली है, तथा जो अध्यक्ष है इसके आनंद प्रकाश महेश्वरी जी हैं, और इसका जो मोटो है
सेवा और निष्ठा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने जो है नौकरी चाहने वालों के लिए जो है रोजगार बाजार नाम का जो है पोर्टल लॉन्च किया है। तो नई दिल्ली की सरकार ने जो है रोजगार बाजार नाम का जो है पोर्टल लॉन्च किया है। और बता दें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नौकरी ढूंढ रहे लोग जॉब्स दिल्ली government.in पर जो है पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा कर अपनी क्षमता के अनुसार जो है काम ले सकते हैं और काम पा सकेंगे। चलिए नई दिल्ली जो है इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी से हैं और जो इनके उप राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी और पहली महिला जो शासकीय है रजिया सुल्तान जी और इसके जो दो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। लोकसभा की सीट 7 तथा राज्यसभा की सीट 3 और जो विधानसभा की सीट है 70 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने जो है हाई रेसोल्यूशन मैपिंग उपग्रह जो है लॉन्च किया। तो जो चीन देश है हाई रेसोल्यूशन मैपिंग उपग्रह जो है लॉन्च किया है। और बता दें कि जो हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है इसके अलावा जो है दो अन्य सैटेलाइट को भी जो है अंतरिक्ष में भेजा है चीन ने। चीन के ताइवान जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जो है को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और चीन के बारे में कुछ जान लीजिए कि जो चीन है एशिया महाद्वीप में है और इसकी राजधानी बीजिंग तथा करेंसी रेनमिनबी युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है वो मैकमोहन रेखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस राज्य में जो है भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकरण जो है डबल स्ट्रैक कंटेनर सुरंग का जो है निर्माण किया गया। तो हरियाणा राज्य में। किस राज्य में? हरियाणा। और बता दें कि हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले के बीच जो है भारतीय रेलवे एक ऐसी सुरंग बनाएगी जिसमें डबल स्ट्रैक जो है कंटेनर ट्रेन चलाएगी। और बता दें कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और मुख्यालय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य जो मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा और चार पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। लोकसभा की सीट 10 और राज्यसभा 5 तथा विधानसभा की सीट 90 है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के जो रजत पदक को किस पदक में बदल दिया गया है। तो स्वर्ण पदक में बदल दिया है। जो 2018 का एशियाई खेल में रजत पदक मिलता था वह अब स्वर्ण पदक हो गया है। और बता दें कि जो 2018 एशियाई खेलों में भारत का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल दिया गया क्योंकि विजेता टीम बहरीन के एक सदस्य के डोपिंग प्रतिबंधित होने से यह निर्णय जो है लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किस देश ने जो है 26 जुलाई को अपना 55वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो मालदीव देश ने जो 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। और बता दें कि जो 26 जुलाई 1965 को मालदीव स्वतंत्र हुआ था इसलिए 26 जुलाई 1955 को जो है 26 जुलाई को मालदीव जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और बता दें कि जो मालदीव देश है एशिया महाद्वीप में और इसके राजधानी माले तथा करेंसी मालदीव रुफिया है और यहाँ के जो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने रुक जाना नहीं योजना लॉन्च किया है। तो जो मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने रुक जाना योजना जो है शुरू की है। रुक जाना योजना की जो तहत है 2018 या 19-20 की जो परीक्षा में 10वीं और 12वीं के फेल स्टूडेंट को एक बार फिर से परीक्षा देकर जो है पास होकर आगे बढ़ने का जो है मौका दिया जाएगा ये रुक जाना योजना के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस देश के जो क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो बांग्लादेश के क्रिकेटर जो काजी अनिक इस्लाम है इन पर 2 साल का जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की जो करेंसी है टाका तथा जो शेख हसीना है इसकी प्रधानमंत्री और अब्दुल हामिद राष्ट्रपति हैं। और बता दें कि जो बांग्लादेश है गंगा नदी का जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाते हैं और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है और बांग्लादेश के 5 जो राज्य हैं बाउंड्री को छूते हैं पश्चिम बंगाल असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम जिसको ट्रिक से बोलते हैं अब मित्र में अ से असम ब से जो है पश्चिम बंगाल अम्मी से जो है मिजोरम अत्र से जो है त्रिपुरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस IIT ने सबसे सस्ती
टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। तो जो सस्ती टेस्टिंग किट है ये आईआईटी खड़गपुर ने जो है बनाने की घोषणा की है। और बता दें कि जो आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसी टेस्ट किट तैयार की है जो एक घंटे में परिणाम देगी। इसका खर्च जो है 400 रुपये आएगा। और बता दें कि जो आईआईटी खड़गपुर है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं कि किसने हाल ही में SCO की जो है बैठक का भारत में प्रतिनिधित्व जो है किया है। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है SCO की बैठक जो है भारत में प्रतिबंधित किए हैं। और बता दें कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है हमारे देश के जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और SCO के बारे में कुछ जान लीजिए कि जो SCO है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 19 सितंबर 2003 में हुई थी और यहाँ के जो मुख्यालय है बीजिंग चीन में है। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य हैं। पहला कजाकिस्तान, दूसरा चीन, किर्गिस्तान, तीसरा चौथा रूस, पांचवा ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। और बता दें कि जो सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नेरो हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को जो है मंजूरी दी है। तो जो कर्नाटक राज्य सरकार है ये आपकी डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को जो है मंजूरी दी है। और बता दें कि इस मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों को 49% शेयर अपने पास रखेगी। और बता दें कि जो कर्नाटक राज्य है इसकी राजधानी बेंगलुरु तथा जो BS येदियुरप्पा है जो BJP पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और बैजू भाई वाला जो है गवर्नर है कर्नाटक के, और इसरो के जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में है। और बता दें कि जो मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवासन ओकाजी हैं। और लोकसभा की सीट 28 तथा राज्यसभा की सीट 12 तथा विधानसभा की सीट 224 है। और यहाँ की जो 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो है इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल्स वितरित जो है किए हैं। तो जो अमित शाह जी ने जो है कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो है इलेक्ट्रिक पावर व्हीकल्स का जो है वितरित करने के जो है घोषणा की है। और बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं गृह मंत्री हैं। और इस समय जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो कारीगरों को 100 विद्युत कुम्हार चक्के बांटे हैं और ये पहला कुम्हार समुदाय को जो है मजबूत बनाने के लिए जो है मदद करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उपकामा का निधन हुआ ये किस देश से थे। तंजानिया देश से थे। और बता दें कि जो तंजानिया देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी दोदोमा है। और इसकी जो करेंसी है तंजानिया शिलिंग है और राष्ट्रपति जान मागुफुली हैं। तो चलिए आज का हमारा इतना क्वेश्चन आया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर हैं, फिर बता देना है कि अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे चल रहा है लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर जो है क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में एक घंटी आएगी उसको जो है आप दबा के जो है नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए जो है चाणक्य विथ RLB सर्च पर आप जाके जुड़ सकते हैं। और बता दें कि आपको डेली बाई डेली करेंट अफेयर्स जो है अगर चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए जो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हमारा इतना वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।